नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल विंकीज क्रिएशन में आज हम शिक्षक दिवस पर भाषण किस प्रकार से कहा जा सकता है देखेंगे तो आइए शुरू करते हैं गुरु गोविंद दो घड़े का केला बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाई कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े मिले तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए गुरु ने गोविंद से हमारा परिचय कराया है इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्रिय मित्रों को सुप्रभात आज हम सभी यहाँ सबसे सामान्य समारोह शिक्षक दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हैं वास्तव में यह पूरे भारत में विद्यार्थियों के लिए सबसे सम्मानपूर्ण अवसर है जब वो अपने शिक्षकों को उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के रास्ते के लिए उन्हें आभार प्रकट करते हैं यह आज्ञाकारी छात्रों के द्वारा अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है सबसे पहले मैं अपने कक्षा अध्यापक को इस महान अवसर पर मुझे भाषण देने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं शिक्षकों के महत्व पर हिंदी में अपने विचार भाषण के माध्यम से रखना चाहती हूँ हर साल 5 सितंबर पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है वास्तव में 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस है जो महान विद्वान और शिक्षक थे अपने बाद के जीवन में वह गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने वह एक विद्वान राजनायक भारत के राष्ट्रपति और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं उनका जन्मदिन उनके उन्नीस में भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद के समय से विद्यार्थियों के अनुग्रह पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश के विद्यार्थी इस दिन को शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए मनाते हैं यह सही कहा गया है कि शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं वे विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करने और उसे भारत के आदर्श नागरिक के आकार में ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे शिक्षक अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व से आगवत कराते हैं वे हमारी प्रेरणा के स्रोत होते हैं जो हमें आगे जाने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं हमें हमारे शिक्षक अपने स्वयं के बच्चों से कम नहीं समझते और हमें पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं एक बच्चे के रूप में जब हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है जिसे हम निश्चित रूप से अपने अध्यापकों से प्राप्त करते हैं वे हमें जीवन में किसी भी बुरी स्थिति से ज्ञान और धैर्य के माध्यम से बाहर निकलना सिखाते हैं एक शिक्षक के बिना छात्र का जीवन अधूरा रहता है इस दिन मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी मुझे आपकी आवश्यकता हो मुझे मार्गदर्शन करें आप सभी को धन्यवाद आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद